मॉर्निंग यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज हम लोग नई क्लास में पढ़ने वाले हैं सीवियंस के बारे में। जैसा आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, हम लोग पढ़ चुके हैं एक सीवियंस के बारे में, दो आप लोगों को मैं वीडियो बना चुका हूँ आप लोगों के लिए। और कल के लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था कि MPG के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। MPG भी सीवियंस से रिलेटेड ही है और उसका एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ आप लोगों के लिए। और दूसरा आज का लेसन आज की क्लास में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये जो वीडियो हैं हो सकता है आप लोग पहली बार देख रहे हो और ऐसी चीज़ें बेसिक से आप लोगों ने नहीं पढ़ी हो, तो हो सकता है शुरुआत में आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आए सॉरी, लेकिन इनको दो बार, तीन बार, चार बार इन वीडियोज़ को आप लोग देखिए। ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, अगर आप लोग तीन या चार बार देखोगे तो ये पॉइंट्स 100% आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। मैं एक या दो मिनट आपके ख़राब करूँगा और कल वाली जो चीज़ें हैं एक बार एक मिनट के लिए आपके लिए रिवाइज़ करूँगा। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को इस टाइप से समझाया था कि अगर ये कोई भी लेंथ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर हमें इस प्रकार से ये कोई भी पॉइंट है, ये कोई भी लेंथ है L1, और यहाँ पर एक वेट अगर 1 kg है, और इधर वाली लेंथ अगर L2 है, और ये कोई भी वेट अगर B kg है, तो ध्यान रखना अपने पास A into L1। कल की क्लास में, कल के लेसन में सिर्फ हम लोगों ने यही समझा था A into L1 बराबर B into L2, और जो वेट था ना उसको मैं रेड कलर में दिखा रहा था, वेट जो था उसको मैं रेड में दिखा रहा था, ये A kg वेट और ये B kg वेट। आज भी उसको रेड से ही करेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो यहाँ पर A व B का जो रेशियो होगा A/B बराबर होगा L2/L1। रेशियो जो होगा, इधर जो वेट होगा वो L2 होगा और इधर जो वेट होगा वो L1 होगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जैसे इस प्रकार से यहाँ अगर वेट हम लोगों को लगाना है और टोटल वेट जो यहाँ पर होगा वो होगा A+B kg। ध्यान रखना ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 2 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 3 है, तो इधर वाला वेट जो होगा वो तो हम लोग मानकर चलते हैं 3 kg, और इधर वाला वेट जो है वो मानकर चलते हैं 2 kg। इस रेशियो में ये हम लोग मानकर चलते हैं 3 kg। हो सकता है आप लोगों के पास 6 हो सकता है 9 हो, और ये मानेंगे 2 kg। रेशियो में मानते हैं 3:2 के रेशियो में, हो सकता है 6:4 मान लो, हो सकता है 9:6 मान लीजिए, हम लोग इस रेशियो में वेट मानते हैं। और ये यहाँ पर जो वेट होता है ये 3x + 2x इन दोनों का सम होता है। एक पॉइंट मैंने समझाया था, अगर पहले से ये हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है, ये पॉइंट समझाया था मैंने, जैसे ये अगर 20 kg है, ये अगर 20 kg है और ये रेशियो अगर 2:3 है, तो ध्यान रखना इधर वाला वेट कितना होगा और इधर वाला वेट कितना होगा। तो 20 को आप लोग 2:3 में बांट दीजिए, 20 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर आप लोगों को आता होगा, गुना करेंगे 3 से, तो इधर वाला जो वेट होगा वो तो वेट होगा 12 kg और इधर वाला जो वेट होगा वो होगा 8 kg। आप लोग 2:3 के रेशियो में बांट दो, लेकिन उल्टा होता है, जो 2 वाला होता है वो तो इधर और जो 3 वाला होता है वो इधर, वेट जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है, ये आप ध्यान रखना। रेशियो 2:3 है लेकिन वेट का रेशियो अगर निकालोगे 4:3 बार, 4:2 बार, इतना आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको ये समझा रहा हूँ आज की क्लास, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी अगर यहाँ पर अपने पास ये अगर लेंथ यहाँ से यहाँ तक 3 है और ये 4 है, तो जो वेट होगा जिसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये इधर वाला जो होगा वेट, ये इस पर वेट मानेंगे 4 kg और इस पर मानेंगे 3 kg, इस रेशियो में मानेंगे, और यहाँ पर टोटल वेट मानेंगे हम लोग 7 kg। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। एक लेसन मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूं और मैं पूरा ये बेसिक से समझा रहा हूं। हमेशा जो भी पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं, ऐसा कोई भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ता कि बीच से आपको आधा पढ़ा दिया जाए उसके बाद आधी चीज़ें आपके लिए छोड़ दी जाएँ। अगर मैंने पॉइंट की शुरुआत की है तो वो 100% पूरा मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। कल की क्लास में मैंने बताया था कि MPG के फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, 2 CVN अगर दी हुई हों तो उसमें 4 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। आज मैं समझा रहा हूँ अगर 3 CVN अगर दी हुई हों तो उसमें भी अपने पास जो क्वेश्चन है वो 4 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास यहाँ से, अब से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और 4 पॉइंट जो अपने पास आज की जो क्लास में समझा रहा हूँ उसमें 3 CVN दी हुई होंगे, और CVN क्या होती हैं या तो आप लोग गूगल कीजिए या मेरे जो पहले वाला वीडियोज है उसको आप लोग देखिए, उसमें समझ में आ जाएगा कि CVNs होती क्या हैं। तो एक किसी भी ट्रायंगल में 3 CVN, मैं MPG पढ़ा रहा हूँ आपको पता है, और MPG तभी लगता है
मास पॉइंट ग्रेविटी, MPG मास पॉइंट ग्रेविटी अपने पास तभी लगता है जब अपने पास सीवियंस दी हुई हो। कल की क्लास में मैंने बताया था दो सीवियंस अगर दी हुई हो तो कैसे लगाएंगे, आज मैं समझा रहा हूँ कि तीन सीवियंस अगर आप लोगों को दी हुई हैं तो आप लोग ये MPG मास पॉइंट ग्रेविटी कैसे लगाओगे, ज्योमेट्री कैसे लगाओगे। देखिए अगर तीन सीवियन हम लोगों को दी हुई हैं तो कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछ सकता है, किस किस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है, और वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं आज की क्लास में। देखिए पहला जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, तीन सीवियन दे देगा ए बी और सी, ए बी सी ट्रायंगल है, इसकी एक सीवियन दे दी ए डी, एक दे दी बी से ई और दूसरी दे दी अपने पास सी से एफ। एक तो ये रेशियो दे देगा 2:3, मैं लिख नहीं रहा हूँ, अलग से नहीं लिख रहा हूँ, रेशियो दे देगा 2:3 और ये रेशियो दे देगा 3:5 और ये ऊपर काटती हैं। उसके बाद हम लोगों से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हमसे पूछा जा सकता है कि AO अपॉन OD क्या होगा, पहला क्वेश्चन। हम लोगों से ये भी पूछा जा सकता है CO अपॉन OF क्या होगा, CO अपॉन OF क्या होगा। हम लोगों से ये भी पूछा जा सकता है BO अपॉन OE क्या होगा, BO अपॉन OE क्या होगा। हम लोगों से ये भी पूछा जा सकता है AF अपॉन FB क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा जा सकता है। तीन सीवियन में दो चीज़ें देकर, और क्वेश्चन इसी टाइप के बन सकते हैं आपके सामने, ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, 100% ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, तो उसमें हम लोग कैसे लगाएंगे वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आ सकता है, इसमें हमारे पास इस टाइप से आएगा कि एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसकी अपने पास एक तो ये वाला ए डी, दूसरा है बी ई और तीसरा है अपने पास यहाँ से मान लीजिए सी एफ। तो कोई भी एक तो ये सीवियन दे देगा 2:3 और एक साइड दे देगा 3:5। यहाँ तो दोनों साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, या सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, और ये सारे मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा आज की क्लास में। इस वीडियो के साथ आप लोग बने रहना और लास्ट तक देखना, ये चार वीडियोज़ मैं बनाने वाला हूँ और चार वीडियो बनाने के बाद आपकी MPG हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग कर पाओगे। लेकिन मैं पहले से बता रहा हूँ इस वीडियो में कि शुरुआत में आप क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो बेसिक से, शुरुआत में समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी, एक बार प्रॉब्लम आएगी वापस देखिए, दूसरी बार प्रॉब्लम आएगी तीसरी बार देखिए, तीसरी बार में गारंटी के साथ आपको 100% ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहला वीडियो देखोगे थोड़ा कम समझ में आया होगा, उसको दो तीन बार देखोगे, ये वीडियो दो बार में ही समझ में आ जाएगा और अगला जो वीडियो है वो एक बार में ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि MPG के अभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, आपने किसी भी फैकल्टी से नहीं पढ़ाया अभी तक, इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन समझ में आ जाएगा। आप लोग दो तीन बार देखना, ये मैं पहले से आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ। तो इसमें भी अपने पास वही जो क्वेश्चंस हैं अपने पास पूछे जा सकते हैं, यही चार क्वेश्चन AE अपॉन EC, AF अपॉन FB और अपने पास CO अपॉन OF और BO अपॉन OE पूछा जा सकता है। चौथे तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन इसमें बनेगा वो अपने पास तीसरा इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि एक ट्रायंगल है AB और C, ये अपने पास AD है और ये अपने पास BE है और ये पॉइंट O है, यहाँ से इस प्रकार से ये अपने पास एक और मान लो सीवियन है। तीनों सीवियन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आज की क्लास में पढ़ा रहा हूँ, कल से थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट चेंज करूँगा, मास पॉइंट ग्रेविटी जो ज्योमेट्री है, मास पॉइंट ज्योमेट्री, उसका थोड़ा सा पॉइंट मैं चेंज करूँगा और उसको कल की क्लास में समझेंगे, आज तीन सीवियन में बता रहा हूँ। अब अपने पास ये जैसे ये वाली दे दे, जरूरी नहीं हमेशा ये वाली दे, अपने पास इसमें से दोनों में से एक दे देगा, ये दे दिया जैसे अपने पास 2:3 और ये दे दिया अपने पास 3:5 और उसके बाद हम लोगों से वही चार क्वेश्चन CO अपॉन OF, BO ये तो दिया हुआ है, AO अपॉन OD, AE अपॉन EC और इधर वाला पूछ सकता है AF अपॉन FB और चौथा क्वेश्चन अपने पास इस टाइप से बन सकता है और ये चारों टाइप के क्वेश्चंस मैं समझाऊंगा। और ध्यान रखना अगर ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखोगे तो 100% ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जानी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे उसने दिया है ये चार है, ये तीन है और ये पाँच है और ये चार है, कोई भी दो का रेशियो हम लोगों को से दे दे, बोर्ड पर थोड़ी सी जगह कम है, समझाना आप लोगों को ज़्यादा है, इसलिए ध्यान रखना मैं चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट होगा, अभी आपकी सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। तो ये रेशियो 4:3 दे दिया, ये रेशियो 5:4 दे दिया और फिर ये पॉइंट नाम दे दिया, मान ली ई एफ और
डी नाम दे दिया, फिर हम लोगों से पूछ लेगा एओ और ओई देकर और बीओ और ओई देकर हम लोगों से पूछा जा सकता है सीओ अपॉन ओडी, एएफ अपॉन एफसी, एडी अपॉन डीबी, बी अपॉन ईसी, इस प्रकार से वो क्वेश्चंस तो कितने भी बना सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग कैसे सोल्व करोगे आज की क्लास में मैं समझाने की शुरुआत करूँगा यहाँ से। और ये सारे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं मैंने कहा एमपीजी पर बेस्ड मैं चार वीडियो आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं, और चारों वीडियोस देखने के बाद ही आपको पूरी चीज़ें क्लियर होंगी। पहला वीडियो आपको कल का मुझे ऐसा पता है कि थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसको 3, 4, 5 बार देखिए। दूसरा वीडियो आज जो मैं बना रहा हूँ, अगर कल वाला वीडियो आपने 4 बार देखा है या 4 बार उसको समझा है तो ध्यान दीजिए ये वाला जो वीडियो है ये आपके 2 बार में ही समझ में आ जाएगा, और अगले वाला जो वीडियो है वो आपके 1 बार में ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपने अभी तक कोई चीज़ अगर पहले से फैकल्टी से पढ़ी भी रहती है क्लास में तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। ये आपने जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं 99% लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। देखिए इस प्रकार से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास ये मान लीजिए अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी, ये इसकी एक सीवेन दी हुई है ए डी, ये दूसरी सीवेन दी हुई है बी ई, और ये तीसरी सीवेन दी हुई है सी एफ। मैं फ्रेम से बाहर अगर हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, मैं नहीं दिखना चाहिए आपको, फ्रेम दिखनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ। आपको यहाँ से रेशियो दिया हुआ है 3:5, ये रेशियो दिया हुआ है, गिवन है, इस प्रकार से दिया हुआ मिलेगा, लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा पूरा क्वेश्चन। ए ई अपॉन ई सी का रेशियो 2:3, देन बी डी अपॉन डी सी का रेशियो बी डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू 3:5, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन, लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा। ट्राइंगल इनर ट्राइंगल ए बी सी ए डी एंड बी ई एंड सी एफ इज द सीवियन, या कहेगा डी इज द पॉइंट। अब एस एस सी में सीवियन नाम नहीं आता, एस एस सी में कहेगा डी पॉइंट बी सी पर है, ई पॉइंट ए सी पर है और एफ पॉइंट ए बी पर है, सभी को अगर मिला दिया जाए तो वो ओ पर अगर इंटरसेक्ट करें, अगर वो ओ पर इंटरसेक्ट करें देन दोनों रेशियो दे देगा, ए ई अपॉन ई सी 3 है, बी डी अपॉन डी सी 5 है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए ओ ओ डी। दो पूछ, एक रेशियो पूछ सकता है या दो क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ तो कुछ भी ले, वो हम लोग सारे सोल्व कर लेंगे। इधर ध्यान देना बोर्ड पर कैसे करेंगे, तो ये जो चीज़ें दी हुई थी 2:3, 3:5 ये मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। जैसा आप लोगों को पता है, जैसा मैंने आप लोगों को समझाया था, मैंने कहा है कि कई बार आप लोग कहीं से पढ़े हो या कुछ देखा होगा वीडियोस वगैरह कुछ भी, तो आप लोगों को ऐसे फिक्स कर दिया जाता है कि आप शुरुआत करना इस पॉइंट से, शुरुआत करना इस पॉइंट से या शुरुआत करना इस पॉइंट से। मैं आपको स्वतंत्रता देता हूँ, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, जहाँ से आपकी मर्जी है यहाँ से शुरुआत कर लो, इस वर्टेक्स से शुरुआत कर लो, इस वर्टेक्स से शुरुआत कर लो, त्रिभुज के किसी भी वर्टिसेस से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैंने कहा है कि वेट जो होगा उसको मैं रेड से दिखाऊंगा आप लोगों के लिए। तो अपने पास इधर ये जो वेट 3 है और इधर जो वेट 2 है, तो ये जो पॉइंट अपने पास डिपेंड करेगा ये इस वेट पर और इस वेट पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वेट मान लेते हैं 2 और 3 दोनों से कट जाए तो अपन मान लेते हैं 6 kg, 2 और 3 का एलसीएम। अब इधर ये वेट अगर अपने पास, ध्यान देना सभी लोग बोर्ड पर, इधर ये वेट अगर 6 kg है तो ध्यान देना ये वेट इसके कारण आया है 2:3, तो 3 का इंटू करोगे तो यहाँ पर वेट आएगा 9 kg। या ये अगर किसी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत आए तो आप क्या करना, कल का वीडियो भी देखा होगा मैं कर रहा हूँ, 6 × 3 = 18 और इन दोनों का इंटू भी 18 आना चाहिए, तो 2 को कौन सी संख्या से इंटू करेंगे, 18 है तो 9 से गुना करें, तो यहाँ पर ये ले सकते हो। ये देखो यहाँ पर वेट कितना आएगा, आप ये वेट इसके अकॉर्डिंग आया है तो ये वेट इसके अकॉर्डिंग, ये इससे डबल है 6, तो ये इससे डबल होना चाहिए 10 kg। या दूसरा तरीका मैं समझा चुका हूँ कि इन दोनों को इंटू कर दिया करो, 6 × 5 = 30, तो इनका इंटू भी 30 होना चाहिए, 3 है तो ये अपने पास होगा 10 kg। 9 और 6 इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ समेशन आता है दोनों का, ऐड करके आता है 9 और 6 को ऐड करोगे यहाँ वेट आएगा 15 kg। अगर आप लोग इसको यहाँ पर ऐड करते हो, 10 और 6 को ऐड करोगे तो यहाँ पर जो वेट आएगा वो वेट आएगा 16 kg। देखिए अब जो साइड्स होती हैं, ये ध्यान देना सभी लोग, जो साइड्स होती हैं अपने पास, ये इधर वाली साइड होगी अपने पास 10, इधर वाली जो साइड होगी वो 10 होगी और इस वेट के कारण ये वाली साइड होगी 9। शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ एमपीजी होता ही ये है कि उल्टा वेट जाता है, 10 तो उस साइड जाएगा और 9 इस साइड जाएगा। क्या समझ में आ रहा है क्या, हाँ ना, मैंने ये पहली क्लास से बोलता रहा हूँ, जहाँ भी मैं पूछूँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो आप लोगों को साथ साथ बोलना है, हाँ ना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप लोग
पीछे से थोड़ा सा रिपीट कीजिए, समझ में आ रहा है? तो जहाँ भी बैठे बैठे देख रहे हो, हाँ बोलिए आप लोग। तो ये जो टोटल वेट होगा अपने पास, ये इधर 10 केजी, इधर ये 10 है और इधर 9 है, इधर 9 है, इधर 10 है, तो टोटल जो वेट होगा अपने पास, ये वेट होगा 19 केजी। अब मैंने आप लोगों को समझाया है, ध्यान देना सभी लोग, कि जो यहाँ पर तीनों सीवियन जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ का वेट हमेशा इक्वल होना चाहिए। 9 और 16 को ऐड करो 25, 19 और 6 को ऐड करो 25, 10 और 15 को ऐड करो 25। इनर जो सम है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए तीनों तरफ से, चाहे इधर से कर लो, चाहे इधर से कर लो, चाहे इधर से कर लो। इनका सम अगर इक्वल नहीं है, इसका मतलब या तो क्वेश्चन गलत है या आपने कोई ना कोई गलती की है। इनर वेट हमेशा सेम आएगा, ध्यान रखना। अब अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, कोशिश करना समझने की, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताओ AO और OD का रेशियो क्या होगा, देखो सभी लोग देखो, AO और OD का रेशियो क्या होगा, A से O तक, तो ये जाएगा इधर, उल्टा वेट होता है, इधर 9 है, इधर 16 है, तो ये अगर चाहिए तो ये वेट इधर जाएगा। कल की क्लास से समझाते हुआ रहा हूँ, खुद बोलिए इधर कितना आएगा 16 और इधर कितना आएगा 9, तो ये रेशियो होगा 16:9 या 16:9। फिर से समझा रहा हूँ, आप लोगों से पूछ लिया जाए कि BO और OE का रेशियो क्या होगा, BO और OE का रेशियो क्या होगा, तो B से O तक ये वेट इधर आएगा 15, ये इधर जाएगा 10, तो 15/10 होगा, और 15/10 का मतलब अपने पास होगा 5, 5 से कट रहा है ये, 5 से कट रहा है 3 बार और 5 से कट रहा है 2 बार, तो 3/2। कोई पूछ ले कि CO और OF, सभी लोग समझना अच्छे से, CO और OF, थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ, CO एंड OF का जो वेट होगा, C से O, ध्यान रखना CO इधर आएगा 19 और ये इधर जाएगा 19/6 होगा। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, अगर आपको AF और FB का वेट रेशियो चाहिए, AF और FB अगर चाहिए, A से F तक और F से B तक चाहिए, तो इधर ये इधर जाएगा 10, ये इधर आएगा 9, तो अपने पास होगा 10/9। मैंने आप लोगों को समझाया या समझाने की कोशिश की है सभी लोगों को, कि जहाँ से आपकी मर्जी आए उससे आप लोग मानने की शुरुआत कीजिए। क्या समझा रहा हूँ देखिए, कोशिश करना समझने की और सभी के समझ में आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता अब कि आपके समझ में नहीं आए। अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो को 3 बार अगर देख चुके हो तो, और फर्स्ट टाइम अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो पर आया है तो प्लीज़ पहले वाला वीडियो देखिए, ये मैं आप लोगों को कहूँगा, नहीं तो ये चीज़ें कम समझ में आएंगी और हमेशा के लिए इस चैनल से आप लोग गायब हो जाओगे। तो फर्स्ट टाइम इसको नहीं देखना है, ताकि आपका इंटरेस्ट बने, पहले वाले वीडियोज आप लोग हमेशा देखिए, लेसन नंबर 1 से शुरुआत करो और फिर धीरे धीरे यहाँ तक आओ। फर्स्ट टाइम नहीं देखना है ये वीडियो। देखो ए बी और सी, ये दे दिया अपने पास AD, ये दे दिया अपने पास BE और ये दे दिया अपने पास CF। मैं जिसकी ज्योमेट्री वीक से वीक है उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा और कंप्लीट आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा नहीं होगा कि ज्योमेट्री में कोई पॉइंट छूट जाए, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा। आप लोग सोचो कि सर ने ये पॉइंट नहीं पढ़ाया, ये नहीं पॉइंट नहीं पढ़ाया, कैट के लेवल के सारे पॉइंट और SSC के लेवल के सब पॉइंट मैं पढ़ा दूंगा, और SSC आजकल कैट के लेवल के ही क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं, CDS का भी कोई पॉइंट नहीं बचने वाला है आपके लिए। देखिए अब आप लोगों ने शुरुआत की यहाँ से, जहाँ से मर्जी आए शुरुआत करो, मैं आपको छूट देता हूँ, जहाँ से मर्जी आए शुरुआत कीजिए। आप लोग यहाँ से शुरुआत करते हो, मान लो अब इधर वाले का तो पता ही नहीं, तो यहाँ से शुरुआत करोगे तो ये तो होगा 5, शुरुआत करते हो तो ये तो होगा 5 और इधर वाला ये होगा 3। इसके कारण इधर वेट और इसके कारण इधर वेट, ये मैं समझा चुका हूँ, या वेट के कारण ये लेंथ और इस वेट के कारण ये लेंथ। अब ये जो वेट आया वो इसके कारण आया, तो इसके कारण वेट कितना होगा यहाँ पर, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। जल्दी अगर सोचना है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर होना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 9 आया अपने पास, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 9 आए, तो ये वाला जो वेट होना चाहिए ये होना चाहिए 9/2 kg। ध्यान देना आप लोग, ये वाला वेट जो होना चाहिए अपने पास वो होना चाहिए 9/2, क्योंकि 3 × 3 = 9, तो इन दोनों का इनटू भी 9 होना चाहिए। अब अगर आप लोग ऐड करते हो, ये अपने पास 5 और ये 3, तो ये वेट जो आ गया अपने पास वो आ गया 8 kg। इन दोनों को अगर ऐड करोगे, यहाँ पर जो आता है इन दोनों का सम, जो रेड से मैं आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ, तो ये जो आएगा 9/2, LCM लोगे आप लोग तो यहाँ पर 6, 9 और 6 = 15, यहाँ पर आ जाएगा 15/2। फिर अगर इधर वाला हम लोगों को यहाँ पर वेट चाहिए, तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो LCM 9/2 + 5, तो आ जाएगा 19/2। ऐड करके देखना घर पर,
जहां पर आप बैठे हो, ऐड करने पर यह आ जाएगा एलसीएम 2 तो 10 और 9 19। मैंने समझाया कि इनर समेशन हमेशा सेम आएगा, यह आप लोग चेक कर लेना। इनर वाला जो सम अगर सेम नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे गलत हो गया है या क्वेश्चन में ही कोई मिस्टेक है। ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो अपने पास 25/2, इन दोनों को ऐड करोगे 25/2, इन दोनों को ऐड करोगे 25/2। अब अगर आप लोगों को देखो, मैं समझा देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आगे मुझे और भी इसी क्वेश्चन को चार टाइप से समझाना है, और एक ही क्वेश्चन को जब मैं बार बार समझाऊंगा तो आपके खुद के माइंड में सेट हो जाएगा, और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग खुद देखना कितना फास्ट कर पा रहे हो। मैं आपको समझाने ये चाहता हूँ, इन दोनों का रेशियो अगर निकालना है, AO और OD का रेशियो अगर निकालना है तो 9/2 अपने पास, इधर अपने पास आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा, ये देखो इस प्रकार से AO और OD का रेशियो, एक बार यहाँ लिख देता हूँ फिर मैं मिटा दूंगा। AO और OD का रेशियो चाहिए तो A से O तक 8 होगा और ये अपने पास 9/2 होगा, 2 से यहाँ पर इंटू करोगे तो 16:9, आंसर सेम यही आना है। अगर आप लोगों को बी और ओ ई का रेशियो चाहिए, बी से ओ और ओ ई का रेशियो चाहिए तो बी से ओ तक 15/2 इधर आएगा और ये अपने पास 5, 5 से कट जाएगा 3 बार, 2 उधर चला जाएगा, रेशियो आ गया अपने पास 3:2, ये अपने पास अगला रेशियो आ गया। सी ओ और ओ एफ का रेशियो आप लोग निकाल लीजिए, वही आना है 19 इधर चला जाएगा, 3×2=6 इधर आ जाएगा, रेशियो हमेशा सेम आना है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। ध्यान दो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जिस वर्टिसेस से आपका मन करे, ऐसा कोई भी यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है कि आप लोग इसी वर्टेक्स से करो या इससे करो या इससे करो, जिससे करो उससे आप लोग क्वेश्चन करना, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। जैसे ये क्वेश्चन इस प्रकार से ए बी और सी, मैं फिर समझा रहा हूँ आप लोगों को, ये वाला पॉइंट डी है और ये वाला पॉइंट ई है, ये रेशियो दिया हुआ है 2:3 और ये रेशियो दिया हुआ है 3:5। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है, और तीसरी सीवियन ये दी हुई है एफ, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर मैं तो ये इधर वाले से करना चाहता हूँ, तो आप लोग ये मान सकते हो 3, इसके कारण ये यहाँ 3 आएगा, और ये अगर 3 आएगा तो इसके कारण ये आएगा यहाँ पर 2। केजी में मान लिया करो समझने के लिए। अब यहाँ पर अगर 2 आया है, इसके कारण ये 2 है, इसका वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ऐसा सोचने में टाइम लगे तो 5×2=10, इन दोनों का इंटू भी 10 होना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 10/3, यहाँ पर अपने पास 10/3 आ जाएगा। ध्यान देना, ये अपने पास 3 आ गया, ये 10/3 आ गया, ये 2 आ गया, यहाँ पर टोटल वेट अगर आपको देखना है इन दोनों को ऐड कर देना तो ये आ जाएगा अपने पास 16/3, यहाँ पर टोटल वेट ऐड करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 5, और यहाँ पर दो टोटल वेट ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 19/3, और इनका रेशियो अभी भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया है उसी प्रकार से आप लोग इनका रेशियो निकाल लेना, आंसर यही आना है। आप लोग घर पर बैठे बैठे चेक कर सकते हो, आंसर यही आएगा। इन दोनों का रेशियो इधर जो ए से ओ तक जो जाएगा वो अपने पास जाएगा 16/3, और O से F तक जो आएगा वो इधर आ जाएगा 3, तो अपने पास 16:9, आंसर यही आने हैं जो चार आंसर ऊपर हैं, इससे आप लोग सोल्व करके देख लेना। मैं आपको ये तरीके इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप पहले सबसे फर्स्ट टाइम आप लोग इस चीज़ को पढ़ रहे हो, और उसमें अगर आप कहीं कन्फ्यूज हो जाओगे खुद करते टाइम, एक ही क्वेश्चन को सभी तरीके से मैं करके बता रहा हूँ, वो इसलिए करके बता रहा हूँ कि खुद अगर आप लोग इस एक ही क्वेश्चन को फिर से करना घर पर 2-3-4 बार और हर तरीके से करना, और कहीं भी गलती हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इससे आप लोग चेक कर लेना ताकि आपको खुद की गलती पता लग जाए। इसीलिए नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ करवाता और ख़त्म, अगला क्वेश्चन करवाता ख़त्म, अगला क्वेश्चन करवाता ख़त्म और MPG ख़त्म। फिर आप लोगों को MPG ये तो पता होता कि अपना जो मैथ्स विद पवन राव यूट्यूब चैनल, इस पर MPG पढ़ाई तो गई है 15 मिनट, लेकिन 15 मिनट में ये पता नहीं लगता कि नया क्वेश्चन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए जितनी मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। 4 वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ इसके, ताकि आपको कंप्लीट सब कुछ समझ में आए, है ना, तो आप लोग समझते रहना। और ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हैं, मैंने कल की क्लास में भी बताया था, आज मैं फिर समझा रहा हूँ, पिछले लेसन में भी हम लोगों ने देखा था, आज मैं फिर समझा रहा हूँ, और ये आप लोगों को पता लग गया होगा खुद को ही कि अपना वीडियो इवनिंग में 6 बजे आप लोगों के लिए आता है, तो 6 बजे आप लोग वेट कीजिए और हमेशा आपको इवनिंग में वीडियो मिलेगा संडे को छोड़कर। तो यहाँ पर मैं समझा रहा था, ये अपने पास 2 है और ये अपने पास 3 है और ये अपने पास 3 है और ये अपने पास 5 है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से सिमिलरिटी जब भी अपने को लगानी हो तो सिमिलरिटी अगर लगाते हैं तो हम लोग इसके पैरेलल लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से। अब ये ऊपर वाला आपने लिख लिया होगा, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ ऊपर वाले को, है ना, आपने लिख लिया होगा ये, साथ साथ मैंने
पिछली क्लासेज में बताया है कि साथ साथ आप लोग अपना पेन साथ रखिए, नोटबुक साथ रखिए, ताकि आपको सही समझ में आए, अच्छे से समझ में आए। तो आप लोग करोगे क्या, यहाँ पर एक ट्रायंगल है ए बी और सी, यहाँ से ये जो अपने पास पॉइंट है, ये जो पॉइंट अपने पास बी ई और ये जो पॉइंट है अपने पास सी एफ अगला, तो एक बार ये रेशियो दिया हुआ है 2:3 और ये दिया हुआ है 3:5, तो हम लोग क्या करें, इसके पैरेलल ये लाइन खींच रहे हैं, ये पैरेलल लाइन खींच रहे हैं, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 3 था, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो रेशियो होगा इस ट्रायंगल में, मैं बात कर रहा हूँ बी ई सी में, पैरेलल लाइन खींचते ही ये रेशियो अगर 5:3 है तो ये रेशियो भी 5:3 होगा। ऐसा मैं सिमिलरिटी में समझा चुका हूँ कि पैरेलल लाइन खींचते ही रेशियो 2:3 है तो ये भी 2:3 होगा। तो ट्रायंगल बी ई सी में 5:3 है तो ये भी 5:3 होगा, इस प्रकार से रेशियो 5:3 होगा। ठीक है, टोटल अपने पास 3 था, यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 था, क्या 3 को आप लोग 5:3 में बांट सकते हो क्या? 3 को 5:3 में बांटोगे तो टोटल 3 के नीचे 8, तो ये वाला जो आएगा ये तो आएगा 9/8, और ये नीचे वाला ये जो आएगा अपने पास ये आएगा 9 के नीचे 8, 3 है टोटल 3 के नीचे 8 और गुना कर देंगे 5 से तो ये आएगा 15/8। आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं कहीं पर भी, अभी मैंने वीडियोस नहीं बनाए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने देखा है, आपने वीडियोस बनाए होंगे तो आप लोग ध्यान, आपने मतलब वीडियोस आपने तो क्या बनाए होंगे, सॉरी मैं कह रहा हूँ कि वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो मैं आगे बनाने वाला हूँ तब देख लेना, नहीं तो कहीं पर भी आप लोग देख लीजिए कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोगों को मिलेगा, वहाँ से सीखे कि 3 को 3:5 में कैसे बांटते हैं, या आपने पहले 10th ठीक ठाक पढ़ी है तो आपको आता होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रेशियो यही होगा जो इसका रेशियो है, ये अपने पास 2 होगा और ये अपने पास 9/8 होगा। रेशियो अगर निकालना चाहो तो 2 और 9/8 8 इधर आ जाएगा, 16:9 आंसर वही आना है 16:9। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ऐसे ही सिमिलरिटी लगाकर हम लोग और सारे रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन उससे सिमिलरिटी से समरूपता से हमें टाइम लगता है। एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ लोग ये 4 वीडियो देखने के बाद एमपीजी मुझे समझ में आ गई, अब मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है सिमिलरिटी की, समरूपता की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हवाबाजी है। मैं लिखने को वीडियो पर कुछ भी लिख सकता हूँ कि अब सिमिलरिटी भूल जाओ, समरूपता की कोई ज़रूरत नहीं है, यही काम में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको समरूपता अलग से याद रखनी है, और एमपीजी के जो क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं वो कब करने हैं, कब करने हैं बताओ आप लोग, वो तब करने हैं जब हम लोगों को सीवियन दी हुई हो, और सीवियन होती क्या है इसके लिए पिछला वीडियो देखिए या गूगल कर सकते हो आप लोग। यहाँ से इसमें ना तो मिड पॉइंट है, ना 90 डिग्री का कोण है, ना एल्टीट्यूड है, ना एंगल बाइसेक्टर है, इन लाइन को हम लोग बोलते हैं, इस वर्टेक्स से कोई भी सामने वाली साइड के लाइन को मिलाए तो उसको बोलते हैं हम लोग सीवियन। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको मैंने काफ़ी डिटेल से काफ़ी अच्छे से करवाया ताकि आपको सही से और अच्छे से समझ में आए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए आप लोग, और इसको लिख लिया करो आप लोग साथ साथ, ये एग्जाम में बस इतना सा चेंज होगा, वहाँ पर लैंग्वेज में आएगा और यहाँ पर अपने पास ये आ गया है, मैंने डायरेक्ट आपको रेशियो में ही लिख दिया है, फिर समझाता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं वैसे ही बना रहा हूँ, कोई भी रैंडम यही संख्याएं लेकर बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा और सही समझ में आए। ये ए बी और सी है, और ये यहाँ से यहाँ तक कोई भी पॉइंट अपने पास ए डी है, ये कोई भी पॉइंट अपने पास बी ई है, और ये कोई भी पॉइंट अपने पास सी एफ है। मान लो हम लोगों को इस प्रकार से दिया हुआ है, ये 2:3 है, रेशियो 2:3 है, और ये 3:5 है। अब हम लोगों को कुछ भी पूछ सकता है, वो ए ई एग्जाम में ये लिखा हुआ मिलेगा, वे जो क्वेश्चन आएगा वो पूरा लैंग्वेज में लिखा हुआ आएगा, इनर ट्रायंगल ए बी सी, ये पूरा ये सीवियंस है या ये मिलाने वाली लाइन है, ओ है, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ए ओ अपॉन ओ डी बराबर 2/3, आगे हमारे लिए लिखेगा वो बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू 3/5। ऐसी और भी चीज़ें इस प्रकार से दो देकर हम लोग उनसे पूछ सकता है कि बताओ, लिख नहीं रहा हूँ मैं, जो पूछ सकता है ए ई वो आंसर ही निकाल लेंगे, ए ई अपॉन ई सी, ए एफ अपॉन एफ बी, बी ओ अपॉन ओ ई और सी ओ अपॉन ओ एफ, ये बची हुई 4 रेशियो हम लोगों से पूछा जा सकता है। और एम पी जी हम लोग तब भी लगा सकते हैं जब हमें इनके अंदर वाले का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो उस टाइम हम लोग एम पी जी कैसे लगा सकते हैं वो आप लोग सीखोगे, मैं आगे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ उस टाइम, अभी पहले एम पी जी का। कुछ लोग जहाँ पर भी बैठे हैं उनको लगेगा कि सर ये एक क्वेश्चन ऐसा भी देखा था कि ये क्षेत्रफल दे दिया,
तो ध्यान रखना, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन खाना थोड़ा धीरे धीरे खाना चाहिए। ऐसे अचानक नहीं कि पूरा खा गए और ख़त्म कर दिया, धीरे धीरे अचानक सिस्टमेटिक हम लोग चलेंगे, है ना। तो सिस्टम से चला करो आप लोग थोड़ा सा, ताकि सही समझ में आए। तो ये दो तीन और तीन और पाँच हम लोगों ने लिख दिया है। तो अब देखिए क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन करने का हमारा तरीका होगा, वेट मैं आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ रेड कलर में, ताकि सही समझ में आए। आप लोग ये मान लीजिए कि ये इसके कारण वेट यहाँ पर 3 kg होगा, इसके कारण जो वेट है यहाँ पर होगा 5 kg। तो जो टोटल वेट होगा अपने पास, वो अपने पास होगा 3 और 5 का सम 8 kg। ये इसका यहाँ पर कारण 8 है, तो इसके कारण यहाँ पर कितना आएगा, तो 8 × 3 = 24। तो यहाँ पर अपने पास इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 24 होना चाहिए, ये ध्यान रखना। या आप लोग नहीं समझ पाओ, या तो एक तरीका ये है, 8 के नीचे 2 और गुना कर देंगे 3 से, क्योंकि इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू चाहिए। तो रेशियो ऐसे ही करते हैं, जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको नीचे और इनटू कर देंगे। या ऐसे नहीं समझ पाओ और फास्ट अगर करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए। ये 24 है तो ये भी अपने पास 24 होना चाहिए। ध्यान देना 12 और 3 का जो सम है ये यहाँ पर होगा 15 kg, और 12 और 5 का जो सम है ये अपने पास होगा 17 kg। एक बार चेक कर लीजिए कि इनर जो समेशन है अपने पास वो सेम है या नहीं है। 12 और 8 का सम 20 ठीक है, 15 और 5 का सम 20 ठीक है, 17 और 3 का सम 20 ठीक है। ये अपने पास इनर समेशन अगर अपने पास इक्वल आ गया है, सम इक्वल आ गया है, और इक्वल हमेशा होगा अगर आपने गलती नहीं की है तो। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, सबसे पहले पूछ ले मान लो AE अपॉन EC पूछ लिया जाए, ए से ई तक। बताओ ए से ई तक 12 वाला होगा या 3 वाला होगा, बताओ आप लोग। ए से ई तक ये 3 इधर लिखूं और 12 इधर लिखूं, या इधर ही 12 लिखूं, बोलो। तो इधर लिखना पड़ेगा हमने 3, और ये अपने पास लिखना पड़ेगा इधर 12। ए से ई तक इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो रेशियो आ गया 1/4। मैं आपको फिर समझा देता हूँ, वापस से ध्यान देना। अगर हम लोगों से पूछ ले AF अपॉन FB, हम लोगों से पूछ लिया जाए AF अपॉन FB क्या होगा, कोशिश करना समझने की AF अपॉन FB। तो बताओ AF के लिए 5 इधर जाएगा और 12 इधर आएगा, ये 5 इफेक्ट डालेगा यहाँ पर और 12 इफेक्ट डालेगा यहाँ पर, ये मैं समझा चुका हूँ। ये 5 इधर तो 5/12। अगला आप लोगों से पूछ लिया जाए कि BO अपॉन OE बताओ, क्या समझ पा रहे हो क्या। जब भी मैं पूछूं हाँ ना, तो जहाँ पर भी बैठे हो आप लोगों को बोलना है, बी से ओ तक ये इधर वाला 15 होगा और इधर वाला 5 होगा, ये उल्टा जाता है, 5 इधर 15 इधर, ये मैं समझा चुका हूँ। तो बी से ओ तक आएगा 15 और ये आएगा 5, तो रेशियो आ गया वही 3:1। अगर आपको चाहिए CO और OF का रेशियो अगर चाहिए, तो सी से ओ तक इधर तो आएगा ये 17, ये वाला इधर आएगा और ये 3 इधर चला जाएगा, 17/3, ये अपना आंसर है। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, वापस समझा रहा हूँ। मैंने कहा जिस पॉइंट से शुरुआत करना चाहो उससे शुरुआत करना, आपकी मर्जी है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग जिस वर्टिसेस से मैंने बोल दिया कि यहाँ से शुरुआत करना, तो यहाँ से ही करो। यहाँ से भी कर सकते हो, 5 kg, 3 kg, 8 kg, इससे भी शुरुआत कर सकते हो आप लोग, आंसर सेम आना है। ये मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ कि आंसर हमेशा सेम आएगा, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये आप लोग ध्यान रखना। जैसे इस प्रकार से ये डी है, ये ई है, ये सी एफ है, और ये पॉइंट है मान लीजिए ओ, इस प्रकार से मान लो। तो हमारे पास ये जो दिया हुआ है, ये 2 और 3 दिया हुआ है, जो रेशियो गिवन है उसको मैं आपको, और किसी स्टूडेंट को लगता है कि, कुछ स्टूडेंट नीचे लिखते हैं कि सर मार्कर ये यूज़ करो ये यूज़ करो, तो मैं लिख देता हूँ जो गिवन है वो ब्लू में लिख देता हूँ मैं, 2 और 3, और ये अपने पास है 3 और 5। जो अपने पास ट्रायंगल बनाया वो मैंने ब्लैक से बना दिया, गिवन है वो ब्लू से, और वेट मैं रेड से लिख रहा हूँ। मैंने कहा कि आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो, जहाँ मर्जी आए शुरुआत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 है तो इधर ये 3 जाएगा 3 kg, और ये अगर 2 है तो इधर ये 2 आएगा 2 kg। अब ये टोटल इन दोनों का 3 और 5 का टोटल 2 kg आ गया, तो 2 के नीचे आप लोग लिखोगे 5, रेशियो इनका सम है, 3 और 5 जो अपने पास रेशियो था उनका सम 2 kg आया, तो 2 के नीचे टोटल लिखोगे 8 और गुना करोगे 5 से, तो इधर वाला आएगा 10/8, और इधर वाला 2 के नीचे आप लोग लिखोगे 8 और गुना करोगे, अगर आप लोग 3 से गुना किया तो 2 से कट गया 4 बार, और ये आ गया 3/4। आप यहाँ भी 2 से काट सकते हो 4 बार, और यहाँ पर ये लिखने के बजाय 5/4 भी लिख सकते हैं, ये लो ठीक है। अब आप एक काम करो, इन दोनों का जो सम है ये 5/4 और ये 3, दोनों का सम 4 × 3 = 12, 12 और 5 = 17, यहाँ पर आ जाएगा 17/4।
कोई बात नहीं। इनका सम 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 15, इनका सम आएगा 15/4। अब ये चेक कर लेना बस एक बार, करना चाहो तो, वैसे सही कर रहे हो तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन घर पर बैठे बैठे कर रहे हो और लगे कि मैंने क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है, तो क्या चेक करोगे, इनर समेशन सेम, 15/4, 5/4, ऐड करोगे 5, 3 और 2 को ऐड करोगे 5, इन दोनों को ऐड करोगे तो करके देख लेना 17/4 और 3/4, 20/4 का मतलब 5, इसका मतलब आपने ठीक किया है, और ठीक किया है तो रेशियो निकालो। अब अपने को ये अगर रेशियो चाहिए, पहले ए ई और ई सी का रेशियो चाहिए, तो ये 3/4 तो इधर जाएगा, देखो ए ई के लिए 3/4 ऊपर जाएगा, मैं बता चुका हूँ कम से कम 1000 बार बता चुका हूँ, और 3 अपने पास नीचे आएगा, 3 से 3 कट जाएगा और रेशियो आ गया अपने पास 1:4, यही आंसर आ गया 1:4। बाकी कोई भी आप लोग किसी को भी सोल्व करके देख लीजिए, आंसर हमेशा यही आना है, ये 5/4 इधर चला जाएगा, 3 इधर, 5/4 यहाँ पर, 3 इधर, तो 5/4 इधर और 3 इधर, इधर चला जाएगा तो रेशियो वही आना है 5:12। ये अपने पास आंसर आ गया ए एफ और एफ बी का। रेशियो निकाल कर देख लेना, मैंने लिख दिया है, जो दिया हुआ था वो मैंने ब्लू में लिखा और जो वेट माने वो रेड में दिखा, और डायग्राम आप लोगों के लिए बनाया ब्लैक में। अगर किसी को, जब भी आप लोग कमेंट नीचे लिखते हो ना, तो उसको मैं पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, और जो भी सुधार की वहाँ पर मुझे लगता है कि ये सुधार होना चाहिए तो मैं सुधार करता हूँ। और मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा यही होता है, जो भी स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए हैं क्लास में भी आपने देखा होगा, इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ। नीचे कम 100-150 जो कमेंट्स आते हैं, उनमें एक दो कमेंट ऐसे भी होते हैं कि सर क्वेश्चंस आप लोग साथ साथ कराइए, लेकिन एक बार इसके क्वेश्चन मैंने करवा दिए साथ, तो फिर ये हमेशा के लिए आप लोग भूल जाते हो और ज्योमेट्री ख़त्म कर लेते हो आप लोग। पहले मैं थ्योरी बताऊंगा, ये तो जैसे क्वेश्चन से इसकी थ्योरी है, तो क्वेश्चन से ही समझ पाते हो, इसलिए क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूँ, लेकिन पहले अगला टॉपिक जब मैं आपको पढ़ाऊँ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, तो मैं आपको कंप्लीट जो जो थ्योरी हो सकती है उनकी वो सारी बताऊँगा मैं पहले आपको, और फिर उसके क्वेश्चंस करवाऊँगा। तो एक बार तो आप थ्योरी मेरे साथ पढ़ोगे, फिर क्वेश्चंस करवाते टाइम आप थ्योरी फिर से रिवाइज करोगे और मैं भी साथ रिवाइज करवाते चलूँगा, तो कम से कम वो थ्योरी 4 या 5 बार हो जाएगी और उसके बाद आपके माइंड में सेट होगी। नहीं तो आप लोग पढ़ तो लोगे, आपको अच्छा तो लगेगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्या फ़ायदा उसका, हमें तो सिलेक्शन लेना है, इसलिए पहले थ्योरी पढ़िए आप लोग कंप्लीट मुझसे, फिर कंप्लीट क्वेश्चंस जितने मैं करवाऊँ वो पढ़ो आप लोग, और उसके बाद नया क्वेश्चन। कुछ लोग सोचते हैं कि सर थ्योरी हमने पढ़ ली, क्वेश्चंस बन नहीं रहे हमसे, तो ध्यान देना, अकेले थ्योरी पढ़ने से भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर उनके उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद वापस आप लोग थ्योरी, जब मैं क्वेश्चंस करूँ थ्योरी तब रिवाइज करते चलना, और उसके बाद अगर आपके पास नया क्वेश्चन आ जाए, कितना भी हार्ड आ जाए, कितना भी स्टैंडर्ड का आ जाए, वो अगर आप लोग नहीं कर पाओ तो आप लोग मेरे पास भेज देना, 99% क्वेश्चंस आप लोग ज्योमेट्री के खुद ही कर लोगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने क्या समझाया, कोई सा भी ये वर्टेस मान लो, ये मान लो, यहाँ तो दोनों सेम है, 3 मानोगे तो इधर 5 आ जाएगा, 5 मानोगे तो 3 आ जाएगा, ये वर्टेक्स लेकर क्वेश्चन कैसे करोगे वो भी मैंने आप लोगों के लिए सोल्व कर दिया है, ये वाला क्वेश्चन। दूसरा, आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर घर पर बैठा हुआ कोई भी स्टूडेंट इस पर लगाना चाहे, अगर सिमिलरिटी ए बी सी ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से, देखो मैं समझाता हूँ, ये 2:3 दिया हुआ है, ये 3:5 दिया हुआ है, लिखते टाइम कई बार संख्याएं अलग लिख लेते हैं, जैसे पिछली क्लास में भी गलत लिख लिया था 2, यहाँ 3 की जगह 2 लिख लिया था, तो कभी कभार लिखते टाइम गलत भी लिख लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना संख्याएं अगर सेम लिखी हुई हैं तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्वेश्चन तरीके बदलने से आंसर सेम आएगा, अगर आपने न्यूमेरिक वैल्यू सेम लिखी हुई हैं, 2, 3, 3, 5 लिखी हैं, तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं, 2, 3, 3, 5 कहीं गलत नहीं हो जाए। तो आपको करना क्या है, इसके पैरेलल लाइन खींचिए, एक इसके पैरेलल लाइन खींचिए, एक इस प्रकार से पैरेलल लाइन खींचते, ये रेशियो 2:3 है तो ये रेशियो भी 2:3, और इस नीचे वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं एक बार, ये रेशियो 3:5 है तो ये रेशियो भी 3:5, तो ये तो 2 हुआ और यहाँ से यहाँ तक 8 हुआ, तो 2:8 रेशियो आना है 1:4, आंसर वही आना है, ए ई और ई सी का रेशियो 1:4, सिमिलरिटी भी आप लोग लगा सकते हो। इसके बाद आप लोग आगे और सिमिलरिटी लगाना चाहो तो ये 1:4 आ गया, ये मिटा देता हूँ एक बार, तो फिर यहाँ से इसके पैरेलल लाइन खींच लो और फिर आप लोग सोल्व करोगे, ये 1:4 आ गया, तो 5 को 1:4 में बांटोगे तो ये तो आ गया 1 और ये आ गया 4, और ये जो रेशियो ना है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन खींची है, ये 3:1 है तो ये भी 3:1, तो इसका रेशियो 3:1 ये रहा।
तो आप लोग इनमें समरूपता सिमिलरिटी भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, उसके लिए थोड़ा दिमाग ज़्यादा चाहिए। तो जो चीज़ें आसान हैं उसको हम लोग सीख लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग एमपीजी सीखते ही सिमिलरिटी को भूल जाओ। सिमिलरिटी की अपनी इंपॉर्टेंस है और इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। देखिए और क्वेश्चन ये किस टाइप से आ सकता है, ये वाला जो क्वेश्चन है, और अपने पास इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है। अब देखो मैं एक तरीके से आपको समझा देता हूँ, बाकी दूसरे वर्टेक्स आप खुद मानना, नहीं तो अपना आप लोगों को लगेगा कि सर वही वो चीज़, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ चार तरीके से क्वेश्चन बनता है ये, और चारों तरीके मैं आपको समझाऊंगा। मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा यही होता है कि मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊँ, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बता दिया फिर आप लोग परेशान होते रहो कि सर कहाँ से करें कैसे करें, क्वेश्चन आपने तो समझा दिया, वो दो क्वेश्चन चार क्वेश्चन तो हो रहे हैं लेकिन नए क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहे हैं। मैं पूरा बेसिक इसीलिए आपको समझाता हूँ। ये हम लोगों को मान लो दिया हुआ है 2:3 और ये दिया हुआ है 3:5। यहाँ पर ध्यान रखना वेट जो मानोगे, यहाँ पर ये वाला जो वेट मानोगे वो 5 और 3 का इंटू करके मान लीजिए 15 kg, ताकि अपने पास फ्रैक्शन में नहीं आए। 15 5 मान लो तो आंसर आ जाएगा, 3 मान लो तो आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर 3 मान लो तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 2 मान लो तो आंसर आ जाएगा, इधर 3 मान लो तो आंसर आ जाएगा, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किधर से भी आप मानना शुरू कर दीजिए आंसर आ जाएगा, लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब आप लोग पढ़ोगे, या तो पढ़ लिया होगा या पढ़ोगे तो पता लगेगा। 5 और 3 का इंटू 15 हम लोगों ने इसलिए माना क्योंकि 15 × 3 = 45, इन दोनों का इंटू और इन दोनों का इंटू बराबर होना चाहिए। ऐसे मान सकते हो 12 की वैल्यू 15 है, 5 की वैल्यू 15 है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 5 = 15, तो 1 की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू 9, या तो ऐसे मान लो उल्टा। या मैं समझा चुका हूँ जल्दी सोचने के लिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 45, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 45, ये 5 है तो यहाँ पर 9, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपने पास 30 है, 15 × 2 = 30, तो 3 × 10 अपने पास यहाँ पर आएगा 10, ये अपने पास 10 है, ये 9 है, इन दोनों का सम यहाँ पर आता है, ये आपको पता होगा, तो ये अपने पास हो गया यहाँ पर 1 kg। अब आपसे ये सारे वेट आपके पास आ गए हैं, अब अगर आप लोगों से पूछा जाए, देखना अगर आप लोगों से पूछा जाए कि AO और OD का सम रेशियो क्या होगा, AO और OD का रेशियो क्या होगा, तो बताओ A से O तक और OD, यहाँ पर लिखो, ये लिखा नहीं अब की बार आपने, ये जो होगा वो अपने पास कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 24, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 16। चेक कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, चेक कर लेना, इनर समीशन हमेशा सेम होगा। तो A से O तक आप खुद बताओ, A से O तक 24 लिखूँ या 1 लिखूँ, ऊपर वाला कितना जाएगा, ऊपर वाला जाएगा 24, तो यहाँ पर ऊपर जाएगा, ये तो ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ, ये अपना आंसर है। फिर समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, वापस समझा रहा हूँ, ये अपने पास अगर आपसे पूछ लिया जाए CO और OF का रेशियो क्या होगा, C से O तक, तो ये इधर 16 इधर, 9 इधर, तो 16:9। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि AF और FB का रेशियो क्या होगा A से F तक, तो बताओ 15 उधर जाएगा या इधर 1 और इधर 15 होगा, ये 1 और ये 15 लिख दूं, अगर मैं ये 1 लिख दूं और ये 15 लिख दूं, क्या सही है क्या, ये 15 15 225 और ये 1 × 1 क्या बराबर थोड़े ना आ रहे हैं, तो ध्यान रखना उल्टा जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये 15 इधर आएगा और ये 1 इधर आएगा, तो A से F तक 15/1 होगा। और अगर आपको और कोई रेशियो भी अगर इसमें बचा है, ये इधर वाला चाहिए अगर ए ई और ई सी, तो 9 इधर चला जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, अगर ए ई और ई सी भी अगर बचा है तो 9:1, ये अपना आंसर है। जहाँ पर भी आप लोग बैठे हैं आप लोग क्या करना कि इसमें इस प्रकार से आप लोग मान लेना, ये जो दिया हुआ है ए बी और सी, ये आप लोग मान लेना कि अपने पास दिया हुआ जो है यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट अगर ओ है, और हम लोगों को जो दिया हुआ है ये रेशियो दिया हुआ है 2:3 और ये रेशियो दिया हुआ है 3:5। आप लोग क्या करना, यहाँ पर वेट मान लीजिए 5 kg इसके अनुसार, और फिर पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेना, आंसर ये आना है 5 × 3 = 15, तो यहाँ पर होगा 3 kg, 5 × 2 = 10, 5 × 2 कितना हुआ 10, तो इनका इंटू भी 10 होना चाहिए, तो ये 3 है तो यहाँ पर 10/3, 3 से 3 कट जाएगा 10, और यहाँ पर अपने पास टोटल जो आया वो कितने केजी आ गया, 5 और 3 कितने केजी आ गया, 8 केजी।
अब ये 10 बटे 3 है और ये 3 है तो इधर आएगा 1/3, माइनस करेंगे इसमें से 10 बटे 3 में से 3 माइनस करोगे तो एलसीएम 3 आ गया 9, 10 में से 9 माइनस करोगे 1/3। आपको जो भी वैल्यू पूछी है आप लोग यहाँ से निकाल लीजिए, आंसर सेम आना है। जैसे ए और ओ एफ चाहिए तो ओ एफ ऊपर, ये जो 8 है ऊपर जाएगा और ये इधर नीचे आएगा 1/3, तो 3 इधर इंटू होगा तो 24:1 आंसर वही आना है। घर पर मैं फिर ये तो मैंने फिर भी बता दिया, चलो चलते चलते मेरे को आदत ही ऐसी पड़ी हुई कि मैं बता देता हूँ, घर पर खुद करना, यहाँ पर 3 मानकर कर लेना तो भी आंसर वही आना है, खुद करने की कोशिश करना। जो इस टाइप के 3 सीवीएन देने के बाद जो चौथा क्वेश्चन हम लोगों से, और अब मेरे को ऐसा लगता है कि पिछले वीडियो में आपको थोड़ा सा कम समझ में आया था, लेकिन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए इतने दिन हो गए हैं, अब मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई होंगी। अब आप लोग थोड़ा खुश हो जहाँ पर भी बैठे हो, मुझे पता है कि पिछली क्लास में आप थोड़े से परेशान थे कि सर ने क्या चीज़ें पढ़ा दी, दो दिन से सीवीएन क्या पढ़ा रहे हैं, 3 लेसन क्या डाल रहे हैं, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप रेगुलर हो तो आज से आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा, आप ये चीज़ खुद महसूस करोगे। अगर पिछला वीडियो आपने 3 या 4 बार देखा है तो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इस प्रकार से अगर कभी भी हो ए बी और सी, ये हम लोगों को दिया हुआ है इस प्रकार से ए डी, ये दूसरा दिया हुआ है बी ई और तीसरा दिया हुआ है सी एफ। अगर मैं 3 टाइप के समझा चुका हूँ, दोनों साइड्स दे, एक ये वाली सी वी एन और ये वाली साइड दे, या इनमें से ये सी वी एन और ये वाली साइड दे। अब मैं समझा रहा हूँ अंदर वाला ही दे दे, ये 5 दे दिया, ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया और ये 3 दे दिया। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच कल की क्लास में मैंने लास्ट में समझाया था और परसों की क्लास में भी मैंने लास्ट में समझाया था। कल का लेसन है उसमें लास्ट में मैंने एक पॉइंट बताया था और परसों के लेसन जो है उसमें भी मैंने एक लास्ट पॉइंट बताया था। दोनों वीडियोज़ आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप कर पाओगे। कैसे करोगे, देखो मैंने कहा इनर समेशन हमेशा सेम होना चाहिए, तो अंदर ही अंदर वाले दिए हुए, तो इन दोनों का जो सम 8 होता है उनका यहाँ इंटू 8 का यहाँ गुना करोगे तो 24 और 8 का यहाँ गुना करोगे तो 32। इन दोनों का जो सम है 7 का यहाँ गुना करोगे तो 35 और 7 का यहाँ गुना करोगे तो 21। ध्यान देना आप लोग, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में चीज़ें सारी की सारी मैं सिखाऊंगा कि रेशियो का सम सेम कैसे किया जाता है। ध्यान देना, एक बार मैं बता देता हूँ, इस प्रकार से अगर है और इनका सम अगर सेम चाहिए तो इन दोनों का जो सम उसका यहाँ इंटू 8 का इंटू करोगे 32 और 24 और इनका सम है यहाँ इंटू 35 और 21। ऐसा करते ही इन दोनों के सम का यहाँ इंटू और इन दोनों के सम का इन दोनों से इंटू करते ही टोटल सेम हो जाएगा 56 और टोटल 56। हमेशा ऐसे करना रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें। तो देखिए ये 25, मुझे ये बताओ सारे लोग मिलकर ये जो 35 है ये यहाँ पर आप लोग लिखोगे या 35 यहाँ पर लिखोगे, जहाँ पर भी बैठो बताओ फटाफट। 35 आएगा इस तरफ और 21 जाएगा इस तरफ, उल्टा जाता है वजन। ये अपने पास 32 आएगा इस तरफ, ठीक है ना, और ये 24 आएगा इस तरफ। तो ये अपने पास 24 है, ये 35 है, तो ये अपने पास ये 35 अपने पास इस तरफ आ गया, 7 × 5 × 3 = 35 और 7 × 3 × 7 = 21। इन दोनों का सम 56, इन दोनों का सम भी 56 है, ये 24 इधर आ गया और ये 32 अपने पास इधर आ गया, तो यहाँ से माइनस करोगे तो 11, 32 में से 21 माइनस करोगे 11, या 35 में से 24 माइनस कर लेना तो भी 11, ये सेम आएगा। उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर अलग आ जाए, हमेशा सेम आएगा। अब आप लोग अगर तीसरी सीवीएन, ये पॉइंट ओ मैं बना देता हूँ आपके लिए, अब आपको कोई भी रेशियो पूछे, कोई भी रेशियो, जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आप लोग बताओ कि सी ओ और ओ एफ क्या होगा, सी ओ और ओ एफ क्या होगा, तो सी से इन दोनों का सम, यहाँ सम यहाँ आएगा 45, तो 45 तो इधर जाएगा और 11 इधर आएगा, तो अपने पास ये जो है ये 45 11 इधर आएगा और 45 इधर चला जाएगा 11/45। मैं फिर से बता देता हूँ, सी से ओ तक 45 इधर जाएगा, सी से ओ ऊपर लिखा है हम लोगों ने, तो ये 45 यहाँ आएगा और 11 नीचे चला जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को ए एफ और एफ बी का रेशियो चाहिए, ए एफ और एफ बी का रेशियो चाहिए, तो ए एफ के लिए 24 इधर 21 इधर, ये कटे तो काट देना आप लोग 3 से 8 बार 3 से 7 बार, आप सोल्व कर लेना। ये बी डी और डी सी का रेशियो अगर किसी को चाहिए, बी डी अपॉन डी सी का रेशियो अगर चाहिए, बी डी और डी सी, तो बी डी के लिए 11 इधर, उल्टा जाता है वेट, और ये चीज़ें तो आप समझ गए होंगे।
ग्यारह इधर आएगा, चौबीस इधर आएगा, क्या ये तो समझ आ गया है क्या? कम से कम ये तो समझो आप लोग, ए ई और ई सी जो है, ए ई और ई सी, ए से ई तक और ई से सी तक, ए से ई तक ग्यारह इधर इक्कीस इधर, तो ग्यारह बटे इक्कीस। अगर अपने पास कल की क्लास में अगर आपको याद हो, ये 35 इधर है, यहाँ पर मैं यहीं ये पॉइंट है और यहीं पर लिख देता हूँ मैं इसके पास 35, ये लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर 35, इन दोनों का सम 45 है ना, इन दोनों का सम 45 यहाँ पर आएगा। देखिए अपने पास ये तीन है और ये पाँच है, अपने पास लोअर अपॉन टोटल पार्ट, ये तीन था ये पाँच था, अपने पास लोअर प्लस टोटल पार्ट थ्री और सेवन, लोअर पार्ट प्लस टोटल पार्ट प्लस एक्स मान लो और बराबर वन, ऐसी एक कल की क्लास में थ्योरम आप लोगों को समझाई है अगर आपको याद हो तो। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था लोअर पार्ट प्लस टोटल पार्ट, लोअर पार्ट प्लस टोटल पार्ट, लोअर पार्ट प्लस टोटल पार्ट, किन्हीं भी सीवियंस का लोअर प्लस टोटल, लोअर प्लस टोटल और लोअर प्लस टोटल इक्वल्स टू वन होता है, अपर अपॉन टोटल, अपर अपॉन टोटल, अपर अपॉन टोटल टू होता है, ये आपने समझा होगा। तो देखिए आप लोग ये 56 यहाँ पर सोल्व करते हैं, चलो इसको ये यहाँ पर आ गया 56, आठ से सात बार सात गुना तीन इक्कीस, सात से आठ बार आठ गुना तीन चौबीस, ऐड कर लेना 45 अक्स बराबर वन, तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी 11 अपॉन 56। तो ध्यान रखना आप लोग, ये तो आता है अपर पार्ट और ये आता है टोटल पार्ट, तो टोटल पार्ट में से टोटल तो ये है 56 और अपने पास लोअर पार्ट जो है वो बचा 11, तो अपर पार्ट 56 में से 11 माइनस कर दोगे तो ये बचा 45, तो अपने पास सी ओ अपर पार्ट बचा 45, नीचे वाला 11, आंसर सेम यही आना है। ये पिछली क्लास में थ्योरम मैं समझा चुका हूँ, तो दो सीवियन देकर तीसरी सीवियन पूछे तो ये सारी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपर पार्ट सॉरी लोअर पार्ट प्लस टोटल तीन प्लस सात ये रहा, तीन प्लस आठ ये रहा प्लस एक्स, इसको एक्स मान लो तो अपने पास यहाँ रेशियो आ जाएगा अपर पार्ट प्लस टोटल पार्ट, अपर लोअर प्लस टोटल का, लोअर प्लस टोटल, लोअर प्लस टोटल, लोअर प्लस टोटल इक्वल्स टू हम लोग लिख लें एक्स इक्वल्स टू वन होता है, इसकी जगह एक्स ले लो और यहाँ पर सोल्व कर लिया तो लोअर प्लस टोटल 56 आ गया, तो टोटल अगर 56 है, लोअर 11 है तो अपर बचा अपने पास 45, 45 अपर बचा नीचे वाला 11, तो ये अगर कभी पूछे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो और ये पूछे तो आप लोग ये थ्योरम लगा सकते हो, कौन सी MPG। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में क्योंकि ये कंटिन्यू क्लास चलती है, लगातार क्लास चलती है, इसमें कोई भी एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं होता, कंप्लीट क्लास चलती है, तो थोड़ा सा आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं कभी एक्स कभी वन ऐसे आता ही जाता है खुद ही, क्योंकि कंप्लीट बहुत देर होगी एक्स वन ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, तो अगला वीडियो आप लोगों के लिए मैं फिर बनाऊंगा, MPG के लिए ही बनाने वाला हूं चार वीडियोस, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी की चीज़ें अगले लेसन में हम लोग कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। इस जो मैंने लेसन बनाया है ये अगर आपको अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि मैं पूरा ऑनेस्टी के साथ पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट 100% करना ही करना है। ओके, थैंक यू।